नमस्कार अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम रिजवान खान है आज हम बात करेंगे काल भैरव मंदिर के बारे में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से आठ किलोमीटर दूर स्थित है काल भैरव का एक अद्भुत और चमत्कारी मंदिर माना जाता है कि यहाँ पर आए हुए भक्तों की समस्या का समाधान पल भर में हो जाता है माना जाता है कि यह मंदिर 600 साल पुराना है प्राचीन एवं सिद्धपीठ मंदिर है ये यह मार्गी तरीकों का साधना स्थली एक सिद्ध स्वयं मंदिर रहा है वाम मार्गी साधनाओं में मंदिरों में शराब मांस मदिरा बलि आदि की परंपरा पहले से चली आ रही थी आदिकाल से इसका प्रयोग किया जा रहा था कहते हैं यहाँ पर केवल तांत्रिक ही साधना किया करते थे और अपनी सिद्धियों को साधनाओं को लेकिन अब यह मंदिर सभी भक्तगणों के लिए दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया है समर्पित कर दिया गया है अब यहाँ इस मंदिर में कोई भी आ जा सकता है प्राचीन काल से यहाँ पर जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी जो अब इसकी प्रथा बंद कर दी गई है काल भैरव जो है वो भगवान शिव का अत्यंत ही त्रिव्य और उग्र तेजस्वी रूप है सभी प्रकार की पूजना अर्चना हवन और सभी प्रकार की साधनाएं, सिद्धियों में भैरव की पूजा को विशेष अनिवार्य दिया गया है मान्यता प्राप्त है इनकी पूजा सभी पूजा के साथ अनिवार्य कर दी गई है भगवान ब्रह्मा का पांचवा शीष खंडन काल भैरव ने ही किया था उसको आपको काल भैरव मंदिर के बाहर केवल आपको शराब की दुकानें ही ज़्यादातर दिखाई देगी फल फूल नारियल प्रसाद के साथ साथ मंदिर में शराब चढ़ाना यानी मदिरा पान करवाना काल भैरव को अनिवार्य है और आपको इस मंदिर में एक अजीबो गरीब चमत्कार देखने को मिलेगा आखिर ये चमत्कार है क्या आप जब तक इस मंदिर में जाएंगे नहीं साक्षात अपनी आंखों से देखेंगे नहीं आपको इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होगा लंबी लंबी कतारें भक्तों की भीड़ लाइन में खड़े एक कतार में खड़े हुए आपको मिलेंगे सबके हाथों में फल फूल नारियल शराब का चढ़ावा जब भक्त अपनी प्रसाद की थाली मंदिर में बैठे पुजारी को सौंपते हैं या उनके हाथों में देते हैं तो वह फूल हार चढ़ाने के बाद एक छोटी सी चांदी की प्याली में शराब यानी मदिरा पान यानी मदिरा डालकर काल भैरव की प्रतिमा के मुंह से लगाते हैं और देखते ही देखते प्रतिमा सारी मदिरा यानी सारी शराब पी लेती है जी हाँ ऐसा होता है जब तक आप जाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा सारा भोग सारी मदिरा मुंह से लगाते ही गायब हो जाती है यह दृश्य वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है पूरे की पूरी प्याली खाली हो जाती है आप चाहे जितना भी मदिरा पान करवाए जितनी भी शराब काल भैरों को चढ़ाए एक एक करके वो शराब अपने आप प्रतिमा के मुंह से लगाने के बाद गायब हो जाती है ये क्रिया बार-बार भक्तों के द्वारा चलती रहती लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर ये शराब ये मदिरा जो काल भैरव ग्रहण करते हैं पीते हैं, वो आखिर इतनी शराब मदिरा पान जाति किधर है कई लीटर कई टन शराब आखिर इसका राज क्या है इस मंदिर का और जो सच्चे दिल से भगवान भैरव को मदिरा चढ़ाते हैं उनका विश्वास जो अटूट है श्रद्धा मजबूत है मदिरा केवल भगवान काल भैरव ही ग्रहण करते हैं ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान काल भैरव ही शराब यानी मदिरा को ग्रहण करते हैं स्वयं यहाँ के पुजारी कुछ विशिष्ट मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके काल भैरव को मदिरा का भोग लगाते हैं जो पुजारी के हाथों भगवान काल भैरव ग्रहण करते हैं और वो बहुत ही मोहित होकर खुश होकर मदिरा पान करते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि उनके भक्तों की मनोकामना पूरी हो उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए कई लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई बहस चली जरूर कुछ ना कुछ राज होगा इस मंदिर के अंदर जो मदिरा कहीं ना कहीं जाती होगी आपके भी दिलो दिमाग में यह सवाल उठता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मंदिर के अंदर कोई ऐसा बड़ा सा खड्डा या कोई ऐसा कुआ बना दिया गया है जो प्रतिमा के मुंह से होते हुए उस तहखाने तक उस गुफा तक या उस उस खड्डे तक या उस कुएँ तक शराब को पहुंचाता होगा जी हाँ पुजारियों का कहना है कि सबसे पहले अंग्रेजों ने इस मंदिर के पीछे खुदाई शुरू की थी और मंदिर के आसपास भी खुदाई करवाई थी लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ जब वो भक्त अंग्रेज़ काफ़ी तपस्या करने के बाद काफ़ी छानबीन करने के बाद गहरी खोजबीन करने के बाद जब वो पता नहीं लगा पाया कि आखिर यह मदिरा जाति कहाँ है तो वो भगवान काल भैरव का भक्त बन गया मदिरा पिलाने का सिलसिला कब शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता बस मंदिर के पुजारियों का यह कहना है कि यह पहले से तांत्रिक मंदिर हुआ करता था मांस मदिरा चढ़ाई जाती थी लेकिन अब बलि की प्रथा बंद कर दी गई है कई लेकिन काल भैरव को आज भी शराब का सेवन चढ़ाया जाता है इस मंदिर को सरकारी प्रशासन की तरफ से भी अनुमति दी गई है क्या आपने कभी काल भैरव का मंदिर देखा है अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाए और अपने मन की मनोकामना पूरी करें अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही रहस्यमयी चमत्कारी बातें साधना सिद्धि प्रयोग टोने टोटके और अमलियात मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा मेरी किताब को खरीदना न भूलें जब तक के लिए नमस्कार खुदा हाफिज